हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसान आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार का विरोध ही कांग्रेस का मुख्य एजेंडा। सांसद दिया कुमारी, कांग्रेस को फटकार कर कहा, हिम्मत है तो खुद के दम पर आंदोलन चलाएं। कृषि बिल पर मचे सियासी घमासान के बीच सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ते हुए कड़ा बयान जारी किया है। कृषि बिल के माध्यम से कांग्रेस द्वारा देश में अशांति और अराजकता का माहौल पैदा करने के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा देश में जो राष्ट्र विरोधी माहौल तैयार किया जा रहा है वो अक्षम्य अपराध है। सत्ता हथियाने के लिए कांग्रेस इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाएगी कभी कल्पना नहीं की थी। कृषि बिल से किसान खुश हैं, लेकिन झूठ बोलकर कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। सांसद ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार का विरोध ही कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का मुख्य एजेंडा है। कांग्रेस में हिम्मत है तो खुद के दम पर आंदोलन चलाएं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मां भारती को छलनी न करें। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे अवगत करवाया है कि मोदी सरकार किसानों के हित में अच्छा कार्य कर रही है, उन्हें कृषि बिल से कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने जब बोल दिया है कि न्यूनतम खरीद मूल्य के प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो ये बात कांग्रेस के समझ में क्यों नहीं आती। सांसद ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में टुकड़े टुकड़े गैंग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस को सिर्फ मोदी विरोध का अवसर चाहिए। केंद्र सरकार ने अब तक जो भी कार्य किए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने से लेकर तीन तलाक, राम मंदिर या CAA का मुद्दा हो, कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारो की रिपोर्ट।